सर्विसेज जो है ये सिर्फ ये जो मैंने प्रोडक्ट बोला इसके लिए नहीं है कि जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या सर्विसेज करना चाहते हैं और ये भाग दो जो है किताब का उसकी तरफ आते हैं कि उसमें भी आपको का, जैसे आप थी, तो बढ़ाना ही पड़ेगा एजुकेशन तो तो तक जो है आप कुछ भी करेंगे चाहे आपको सर्विसेज करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है वो बेसिक लेबर फोर्स को आपको ट्रेन तो करना ही करना पड़ेगा उसके और मैं उसमें अभी आता हूँ लेकिन जो आपके सवाल को जोड़ते हुए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली ये एक समझ पता नहीं क्यों नहीं जनरेट हो पा रही और ये हम बहुत चाहते हैं कि आपके आपके माध्यम के थ्रू और इस किताब के थ्रू की एक्चुअली में हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करना अच्छे से नॉट ओनली ये कि ह्यूमन कैपिटल जनरेशन का एक माध्यम है लेकिन एक्चुअली अपने आप में ही एक सर्विस सेक्टर जॉब है जो बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट करता है अगर आप हुँ. भारत के कार्यबल को एक अच्छी तरह से ट्रेन कर दें

अब तक तो हमें इंडिया जहां अफ्रीका मिडिल से लोग आके मेडिसिन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं भारत ही नहीं, हमें एक बन जाना उदाहरण के तौर में आपको बताता हूँ गवर्नमेंट का डेटा है दो में भारत से साढ़े लाख स्टूडेंट्स बाहर गए सिर्फ एक साल में अगर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी मान लीजिए ठीक है कंजर्वेटिव एस्टिमेट की वो दस डॉलर लेके अपने साथ गए ठीक है वो मैं कंजर्वेटिव भी बोल रहा हूँ तो हो गया सेवन एंड हाफ बिलियन डॉलर अरे आप इम्पोर्ट आप, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाइए कि इनमें से एक या एक चौथाई लोग नहीं जाना चाहें उससे कितना जस्ट वेल्थ जनरेट हो जाएगा अगर आप ठीक से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये एक नजरिया नजरिया बदलने का एक हम कहते हैं कि पक्ष रख रहे हैं आई मीन यूएस में सत्तर से अस्सी प्रतिशत जॉब सर्विस सेक्टर की है तो ऑब्वियसली वो वो एक आगे चुके में, ये थोड़ा सोच हम कर रहे हैं है, तो वैल्यू तो है तो बैंगलोर हाँ और बैंगलोर काफी अच्छा एग्जाम्पल दोनों चीजों का मैदे लोग सिर्फ सोचते हैं बैंगलोर आईटी में ही है लेकिन बैंगलोर सबसे पहला सेंटर इंडिया में था जहां सबसे ज्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जहाँ बाहर के देशों से थोड़े लोग आते हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान से तो लोग आते ही हैं पढ़ने के लिए और सेम चीज हेल्थ में भी मिडिल ईस्ट अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया से कितने लोग अपना इलाज करवाने बैंगलोर आते हैं चेन्नई चेन्नई भी आते हैं पर बैंगलोर बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया में बाहर के लोगों का इलाज करने के लिए तो ये बैंगलोर I mean, है हम हम तो काफी चीज को हम पहले पुल्लेबाजी में डिस्कस भी कर चुके हैं कि कितनी वर्सेटाइल सर्विस इकोनॉमी है बैंगलोर सिर्फ एक आई की आई के भरोसे नहीं है ये चीज तो सॉरी और ये हम हमको हम लगता है कि ये ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा अगर हम सोच थोड़ा एक्सपैंड करे तो ये इंदौर और भोपाल में भी हो सकता है और एक्चुअली कम प्राइसेस पे हो सकता है तो यू नो थोड़ा अभी बैंगलोर ऑलरेडी मतलब सैचुरेट हो रहा है इन इन, इन सर्विसेज से सो तो ये एक सोच हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं कि और अगर 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 भारत हम अपने अपने पॉपुलेशन डिविडेंड के बारे में इतने दिनों से बोल रहे हैं राइट लेकिन पॉपुलेशन से डिविडेंड ऐसे तो नहीं आएगी ना एजुकेशन के बिना कैसे आएगी तो ये तो मुझे लगता है हमारे जैसे देश के लिए तो एजुकेशन एक नॉन नेगोशिएबल है जिसपे खर्चा करना ही पड़ेगा और उस उसपे तो ध्यान देना ही पड़ेगा नहीं तो जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वो जरूरी है और सर्विसेस के लिए भी जरूरी है तो उसके बिना तो क्या होगा ये बहुत ही ये बहुत ही अः ये हम भाग दो में बहुत ये किताब के यू नो काफी जोर डालते हैं इस बात पे कि आप एक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक देश में जहां 35 परसेंट बच्चे अभी भी मेल से शिकार के शिकार हैं उनको आप किस तरह ये कार्यबल बनेंगे ना हमारा 20 साल में कि अगर आप स्केल सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्केल, स्केल आप सर्विसेज में सोचे में सोचे जो एक ह्यूमन पोटेंशियल है हमारे का इसमें अभी बहुत काम करना बाकी है और एक ऑलमोस्ट जिस तरह एक ऑब्सेशन देखा गया था मैं तो कहता हूं कि एक पॉजिटिव ऑब्सेशन देखा गया था भारत में टॉयलेट्स बनाने के लिए या पटेल जी की स्टैचू बनाने के लिए इस लेवल के ऑप्शेशन से एक्चुअली हमको ये प्रॉब्लम मिशन मोड जिसे बोलते हैं इसको टैकल करना पड़ेगा वरना ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं नाइटमेयर बन सकता है हाँ और इसमें तो हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था एमबीबीएस सीट्स के ऊपर जैसे कि और भारत में अब विश्व में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं तकरीबन 600-700 हो गए लेकिन नंबर ऑफ मेडिकल सीट सिर्फ एक लाख हैं जबकि चीन में एवरी ईयर तीन लाख हैं मेडिकल सीट्स तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस को भी स्केल नहीं कर पा रहे हैं। इतने रेगुलेटरी हर्डल्स हैं और अगर हम लोग उसी को कम कर ले मतलब इसमें सरकार को शायद इतना बड़ा रोल करने की भी जरूरत नहीं है कि खुद नए कॉलेज खड़े करे वो तो कर ही रही है लेकिन अगर हम लोग उस चीज को भी सॉल्व कर लेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन की वगैरह की वजह से तो जैसे आप लोग कह रहे थे जो लोग बाहर जा रहे हैं यूक्रेन में जाके कोई पढ़ रहा है कजाकस्तान में जाके कोई पढ़ रहा है वो जबकि हम लोगों को चाहिए कि अफ्रीका से लोग आने चाहिए भारत में मेडिकल में तो आ सकते हैं लेकिन इस तरीके की नीतियां भी हैं और हम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है तो ये तो और, और ये बहुत 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 और और प्रणय ये एक्चुअली ही अच्छा एग्जांपल दिया बिकॉज इसमें जो again, जो जो अगेन एक एक विजन का वो है ना कि आपको ऐसा लगता है कि चलो यार हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए भारत में इतना इतना रिक्वायरमेंट है उससे तो हम ऐसा नहीं बिकॉज भारत से भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर बाहर जा रहे हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बेटर हैं वहां पे सब तो गिवन की जो वेस्ट है

जो ये एक मॉडल है ये हमें मॉडल बहुत अच्छा लगता है कि जो मॉडल है कि वो एक हॉस्पिटल है एक रिसर्च सेंटर है और एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी, है. और, है, भी है, है और ये तीनों जो ये चीजें हैं ये एक दूसरे जो, एम्स भी है लेकिन ये प्राइवेट है और ये तीनों जो चीजें हैं ये एक दूसरे को री करती हैं तो ये एक विजन से अगर हम एक्चुअली हेल्थ के डॉक्टर्स को ट्रेन करें तो ये अपने आप में जैसे मैं बोला था एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी और दुनिया में इतनी डिमांड है इस चीज की तो ये एक सोच वही मैं कह रहा हूं ये भी एक और आप देखिए तो ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है अगर आप वो जो आंकड़े होते हैं जो बजट लाइन में ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा एग्रीकल्चर में नहीं आएगा ये सब सर्विस सेक्टर में आएगा आपका आंकड़ा आई वी एम